नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करा रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां। ये जो टॉपिक है इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आए हैं पहले के फेज में बीपीएससी टीआरई में वो तो कराएंगे ही। इस बार वाली जो परीक्षा हुई थी ना उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, वो भी हम आपको कराएंगे। तो स्टार्ट पहले करते हैं बाकी प्रश्नों से, और ये बीपीएससी स्कूल टीचर वाले जो क्वेश्चन है वो लास्ट में कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर एक से। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इसका जो गठन है वो इनमें से किसने जो है वो किया था? हेमंत सरकार, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी या सचिंद्र नाथ सान्याल? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात करें तो अक्टूबर 1924 का समय, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने कानपुर में इसकी स्थापना की थी। सितंबर 1928 में अगर बात करते हैं तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई थी। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ये है कि पहले 1924 में हुई थी तो सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, 1928 में जब हुई थी तब यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड आपका अलग से जुड़ गया है। और स्थापना को लेकर के दोनों जगह नाम आपने देखा जो कि इन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्टार जो है आपका लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसने कब कब जो है वो की थी। अगला प्रश्न, 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? इन्होंने ही HSRA की स्थापना ऊपर हमने भी पढ़ा भी, तो इनकी मृत्यु कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुगल सराय, आंसर आपका यहाँ पर इलाहाबाद जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, यहीं पर जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी। बाकी तारीख 27 फरवरी की थी। अल्फ्रेड पार्क, आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। जन्म इनका 1906 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अदालत में मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद जो है वो बताया था, तभी से उनका उपनाम आजाद हो गया था। उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी ट्रेन, जो ट्रेन डकैती थी, असेंबली में बम विस्फोट था, सैंडर्स की हत्या, तो कई अलग अलग जगह नाम देखने को मिलता है। अगला है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इनको किस तारीख को फांसी जो है वो दी गई थी? तो कब दी गई थी? आंसर आपका यहाँ पर 23 मार्च 1931 जो आप देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन देखेंगे 2022-2002 बीपीएससी प्री में दो बार आ चुका है और तीसरी बार भी 1999 में पूछा गया था। तो 1928 में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे जॉन सॉन्डर्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इस षड्यंत्र में ही तीन क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई थी। और तीन जो क्रांतिकारी हैं उनको 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। अगला है, सरदार ऊधम सिंह ने किसे जो है वो मारा था? जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओ डायर, सैंडर्स? ऊधम सिंह ने, सैंडर्स जो आप देख रहे हैं इनको नहीं, डायर, माइकल ओ डायर, इन्होंने अपना नाम जो सरदार ऊधम सिंह ने रखा था, अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद ये रखा था, और इन्होंने ही लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में 1919 ईस्वी के विरोध प्रदर्शन के विभत्त स्वरूप से कुचलने का संचालन किया था, इसकी प्रतिक्रिया में ही उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर के जनरल डायर की हत्या जो है वो की थी। और समय कब का था? 1940, जब इनको इसी के लिए फांसी की सजा दी गई थी। बाकी आपको पता है ना, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोलियां चलवा दी थी, काफी लोग मर गए थे, तो वही घटना 1919 की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, चढ़गांव, शस्त्रागार, धावे इनसे संबंधित इनमें से कौन जो है वो है? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और कई बार आ भी चुका है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो थे वो सूर्यसेन संबंधित थे। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इसकी स्थापना भी की थी। इनके नेतृत्व में ही IRA के जो सदस्य हैं उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा भी कर लिया था। अगला है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? अकाली नेता, गदर पार्टी के क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता या स्वराजवादी? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बी, यानी गदर पार्टी के क्रांतिकारी जो है यहाँ पर सही होगा।
मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। उस समय स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए गदर का आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ हुक्मनामा जारी किया गया था और उन्हें विधर्मी जो है वो घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा कांड 1920 में, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में, कौन सा गलत है? आंसर की बात करते हैं तो पहला ही गलत है, चौरी चौरा कांड तो आपका 1922 में हुआ था। बाकी अगर बात करें तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में आपका ये हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा गांधी जी ने अपने 78 जो समर्थक थे उनके साथ की थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा स्टार्ट की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून बना करके तोड़ा था। और उसके अलावा गांधी इरविन समझौता आपको पता है 5 मार्च 1931, और पूना पैक्ट आपको पता है 24 सितंबर 1932। ये सारी डेट ऑलरेडी टॉपिक वाइज जो हमने कराया था ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं देखा हो देख लीजिएगा, सब कुछ हम ऑलरेडी आपको टॉपिक वाइज वाले वीडियो में करा चुके हैं। अगला, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे आपसे पूछा गया? यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, सुखदेव, कौन नहीं थे इसमें से? तो इसमें सुखदेव जो देख रहे हैं वो नहीं थे। सुखदेव का जो संबंध था वो काकोरी ट्रेन डकैती से ना होकर के लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे सुखदेव जी, जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र में ही आपका 23 मार्च 1931 को फांसी जो है वो दी गई थी। और काकोरी जो ट्रेन डकैती थी वो आपकी हुई थी 9 अगस्त की तारीख को 1925 को, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी। और इसमें जो लोग मौजूद थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र दाइडी सहित टोटल 10 क्रांतिकारी जो है वो थे। बाकी ये पता है आपको कि अब इसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन अब इसका नया नाम हो गया है। ये ध्यान रखिएगा कि बाकी सभी तो आपके संबंधित हैं काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित, परंतु जो सुखदेव जो यहाँ पर नाम दिया गया है वो आपके लाहौर षड्यंत्र से संबंधित हैं, और लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यही 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फणीन्द्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, उसकी हत्या इनमें से किसने की थी? तो एस एन सिंह ने की थी, या फिर बैकुंठ शुक्ला, या फिर कार्यानंद शर्मा, या खुदीराम बोस। आंसर आपका यहाँ पर बैकुंठ शुक्ला आपका सही होगा। स्वाधीनता आंदोलन के अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो मुखबिरी कर या सरकारी गवाह बनकर के फांसी दिलवाने वाले थे फणीन्द्रनाथ घोष, उनकी जो हत्या है वो आपका शहीद बैकुंठ शुक्ला ने जो है वो की थी। तो इन्होंने जो है वो आपका यहाँ पर इनकी मुखबरी की थी, इनको पकड़वाया था, जो फांसी की सजा इनको दी गई थी। तो शहीद बैकुंठ शुक्ला जो है इन्होंने इसकी हत्या की थी और बाद में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी, जिन्होंने जिलाधीश की गोली मार करके हत्या कर दी थी, वो कब की थी ये आपसे पूछा गया? अक्टूबर 1922, दिसंबर 1932, दिसंबर 1931, फरवरी 1932, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो दिसंबर 1931 सही होगा। 24 दिसंबर 1931 को कामिला की 2 स्कूली छात्राएं थी शांति घोष और सुनीता चौधरी, जिन्होंने वहां के जिला अधिकारी थे जिसका नाम था बीजी स्टीवेंसन, इनकी गोली मार करके हत्या जो है वो कर दी थी। ये की थी दिसंबर 1931 में। याद करने में अगर कठिनाई हो ना तो 1931 की अन्य घटनाएं जैसे गोलमेज सम्मेलन हो गया या गांधी इरविन समझौता हो गया, तो मतलब जोड़कर याद रखते हैं ना तो थोड़ा सा याद करने में आसानी रहती है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी जो है उसको 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोक करके लूटा गया था? चटगांव, या फिर काकोरी, या फिर हावड़ा, या फिर अलीपुर, कौन सा इनमें से सही होगा? लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोक करके लूटा गया था? तो चटगांव, काकोरी, बाकी 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, आंसर बी वाला सही होगा जो कि आपका था काकोरी। काकोरी ट्रेन एक्शन इसी का ही जो है वो नाम था। इसमें 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी जो खजाना है उसको लूट लिया गया था, इसी को काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड, ये वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी में। और जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया था वहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्रश्न के ऑप्शन बदले हुए आपको देखने को मिलेंगे। पीआरटी में आया था जो पेपर आपका रद्द हो चुका है, प्रश्न में ऑप्शन थोड़े से बदले थे, बाकी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था कि किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से देख। तो प्रफुल्ल चाकी को फांसी नहीं दी गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी पर ये चले गए थे, तो आंसर इनमें से कोई नहीं वाला होगा। क्यों
क्योंकि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने कर ली थी आत्महत्या। और मेन फांसी जो दी गई थी वो खुदीराम बोस जी को दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। तो आंसर क्या होगा, खुदीराम बोस। आपके में जो 3.0 पीआरटी में आया था ना, तो खुदीराम बोस आपके ऑप्शन में ही दिया गया था, तो वहां पर आंसर सीधे सीधे खुदीराम बोस हो गया था। कुछ लोगों ने कंफ्यूजन के कारण प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों के चक्कर में इनमें से एक से अधिक लगा दिया था, तो एक से अधिक नहीं होगा, केवल खुदीराम बोस आपका होगा। अगला, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा वीर सावरकर, वीडी सावरकर। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में वीडी सावरकर ने किया था। इस दौरान भारत के तात्कालिक अति आवेश राजनीतिक वातावरण में सावरकर ने 1899 ईस्वी में अपने मित्रों का एक छोटा सा समूह बनाया था, जो कि भारत की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित थे। इन्होंने गोपनीयता की शपथ ली थी और अपने संगठन को फ्रेंड्स यूनियन या मित्र मेला के नाम से, ये नाम याद रखिएगा कि इस नाम से पुकारने लगे थे। 1904 ईस्वी में यही समूह आपका अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। अगला है, मैडम कामा जो है उन्होंने भारत की तिरंगी जो ये स्वतंत्रता ध्वज है उसको कहाँ फहराया था? पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ड या जिनेवा? आंसर आपका यहाँ पर स्टुटगार्ड जो है वो सही होगा। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, जिनका नाम था मैडम कामा, इन्होंने भारतीय मूल की महिला पारसी नागरिक थी। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के अंतर्गत स्टुटगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था। ये जो सम्मेलन था इसमें इन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने की अपील भी की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता इनमें से कौन है? आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इन ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके रचनाकार थे बिस्मिल जी, बिस्मिल अजीमाबादी। और ऑप्शन में सूर्यसेन, चंद्रशेखर, सरदार भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल करके आपको दिया गया है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया है, आप ध्यान देंगे। आप क्वेश्चन आपका 2020-15 दो बार आ चुका है, तो राम प्रसाद बिस्मिल में कंफ्यूज मत होइएगा, रचनाकार थे बिस्मिल अजीमाबादी। ये कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी, तो वहां पर नाम इनका देखने को मिलता है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगला है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन था वो हुआ था, किसके दौरान हुआ था? गदर आंदोलन, स्वदेशी, द्वितीय विश्व युद्ध या होम रूल आंदोलन? आंसर पहला हो जाएगा, गदर आंदोलन के दौरान। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 1913 में, अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह जो भाकना है वो आपके थे। और इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है वो इनमें से किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह या बापट? आंसर आपका यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जो है वो सही होगा। 9 जून 1906 को वीडी सावरकर लंदन के लिए प्रस्थान किए थे। लंदन पहुंचने के बाद वीडी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था का गठन भी किया था, और इस संस्था का कार्य था उनके द्वारा पूर्व से संचालित किए जा रहे भारत में अभिनव भारत संस्था के लिए नए सदस्यों की भर्ती के लिए जमीन तैयार करना, जिसकी वजह से भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा जैसे लोग सदस्य बन गए थे। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर बात की गई है, लंदन पहुंचने के बाद वीडी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया था। अगला है, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टूटी लाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीत सिंह, ये किससे जो है वो जुड़े हुए थे? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, नवजीवन, नवजवान, भारत सभा, गदर आंदोलन, अकाली आंदोलन? आंसर यहाँ पर गदर आंदोलन जो है वो सही होगा। लाला हरदयाल अभी ऊपर बताया था आप, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रमुख नेता हरदयाल, बाबा हरनाम, सोहन सिंह भाकना और गुरदीत सिंह जो है ये थे। इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, सोशलिस्ट वर्ड नहीं जोड़ा है, मतलब 1924 आपका हो जाएगा। दोनों हम आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। इसके पुराने नेता राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिन नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी जो युवक हैं इनका कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है वो किया गया था। इसी का उद्देश्य था सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। अगला, गदर पार्टी की स्थापना जो है वो हुई थी, तो आप कहेंगे 1913 में हुई थी, ये आपका सही हो जाएगा। इसके संस्थापक में
लाला हरदयाल और सोहन सिंह अध्यक्ष जो है वो थे, संस्थापक लाला हरदयाल और अध्यक्ष सोहन सिंह हाकना इनका पूरा नाम। बाकी गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना करके पहले साप्ताहिक, बाद में मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन भी जो है वो किया था। फिर ये पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती में भी थी। उद्देश्य था भारतीय सेना में विद्रोह की भावना पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की जो पुनरावृत्ति है उसका कारण इनमें से क्या था? आंसर हो जाएगा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन करना। असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने युवकों को निराश कर दिया था और उन्हें लगने लगा था कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हो गए थे। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो भगत सिंह आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, जिसमें बाकी नाम तो लगभग ऊपर मैंने आपको बताए थे, 1924 28 बता चुके हैं। अगला है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली जो है वो मारी थी? ऊधम सिंह, ये भी बता चुके हैं, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समय भी 1940 आपको बताया था। ऊधम सिंह गदर आंदोलन के कार्यकर्ता और पंजाब के रहने वाले थे। 1919 के जलियांवाला बाग का नरसंहार जो हुआ था जनरल डायर ने किया था, उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने जो है वो हत्या की थी। यहाँ पर एक और पॉइंट नया देख पाएंगे, वो ये है कि मदन लाल ढीगरा जो है उन्होंने कर्नल वाइली की हत्या की थी। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था किंतु गलती से कैनेडी की हत्या हो गई थी, इनकी पत्नी थी। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल, गांधी जी, भगत सिंह या बोस? तो आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा दिया था। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिल्ली चलो सिंगापुर से कहा था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारे जो वो दिए थे। इंकलाब जिंदाबाद वाला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति ये आपकी थी, नारी उत्थान के लिए प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखना या एक क्रांतिकारी संगठन? तो ये आपका एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना जो है वो आपकी हुई थी मिदनापुर में 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, अनुशीलन समिति, और जबकि कलकत्ता में इसका गठन हुआ था पी मित्रा ने के द्वारा। कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतेंद्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। तो इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि कलकत्ता में जो है वो हुई थी पी मित्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास जो है वो कब किया गया था? 1908, 9, 7 या 11, कौन सा सही होगा? इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया इस पर भेज, तो ये चांसेस बने रहेंगे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए लाइक का जो टारगेट रख रहे हैं वो रख रहे हैं 400 लाइक का, जैसे कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। इससे पहले वाली जो पीडीएफ है वो भेज चुके हैं, वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आंसर की बात 1900 करें तो 1908 आपका सही हो जाएगा। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था हत्या का प्रयास, और ये चीज बता चुके हैं। अगला है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या ऊधम सिंह? आंसर यहाँ पर लाला लाजपत राय जो है ये सही हो जाएंगे। गरम दल के नेता थे, शेर ए पंजाब के नाम से जो है ये जाने जाते थे। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी इनके द्वारा ही की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में एन एम जोशी ने की थी, और इसका पहला अधिवेशन 1920 में बंबई में हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो पहला अधिवेशन इनके द्वारा, बाकी एम एन जोशी ने स्टार्ट किया था। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? अभी ऊपर बता चुके हैं, तो बताइए मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, भगत सिंह या फिर मन्मथनाथ? आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन मदन लाल ढींगरा। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की गोली मार करके हत्या कर दी थी, और ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में फांसी की सजा भी दे दी गई। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना जो है वो किसने की थी? रेवतीनाथ, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सान्याल, मजहरुल हक? आंसर आपका सी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल। इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। युवाओं ने अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई थी।
प्रभाव इसका बिहार पर भी पड़ा था। ढाका अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे रेवती भाग, उन्होंने नेवती नाग, इन्होंने भागलपुर में, और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय दिए थे। भूपेन्द्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 21 साल थी, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज्यादा, इस तरीके का क्वेश्चन पीपीएससी प्री में आ चुका है। तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो थी। और भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह ने असेंबली में बम जो फेंका था वो 8 अप्रैल 1929 को जो है वो फेंका था, और शहीद भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा थी। अगला है, ये 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था ना, सूरत में जब विभाजन हुआ था, तो वही आपका था इनके जन्मदिन का वर्ष। अगला है, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रमथ मित्रा, अरविंद घोष, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। आंसर प्रमथ मित्रा जो है वो सही होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना में प्रमथ नाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। इस तरीके से 1901 ईस्वी में ही अनुशीलन समिति का जन्म हो गया था। प्रारंभ में इसका नाम भारत अनुशीलन समिति था। इसके अध्यक्ष थे प्रमथ नाथ मित्रा और उपाध्यक्ष थे इसके चितरंजन दास और अरविंद घोष। वारिंद्र जो कुमार घोष थे और भूपेन्द्र नाथ दत्त थे, इनके सहयोग से कलकत्ता में 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। और इसका जो मेन मोटो देखने को मिला था, उद्देश्य देखने को मिला था, वो था आपका खून का बदला खून। ये लाइन को पूरा आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 1904 में स्थापित जो अभिनव भारत था वो आपका क्या था? क्रांतिकारी जो गतिविधि है उनसे संबद्ध एक गुप्त संगठन था, एक समाचार पत्र था, एक सांस्कृतिक संगठन या एक मजदूर संघ आंदोलन। आंसर क्रांतिकारी जो गतिविधि है उनसे संबद्ध एक गुप्त संगठन आपका जो है ये था, अभिनव भारत। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही आगे चल करके अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया था। ये संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। अभिनव भारत की जो शाखाएं हैं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी, और इस संस्था का वार्षिक जो सम्मेलन था वो गुप्त रूप से होता था। अगला, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तोरु दत्त, रमाबाई, भीकाजी कामा या गंगाबाई। आंसर की बात करते हैं तो क्रांतिकारी आंदोलन से जो संबंधित थी वो थी भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा रुस्तम के आर कामा ने 1902 में भारत छोड़ दिया था और यूरोप के विभिन्न देश और अमेरिका में जो ब्रिटिश शासन है इसके विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में जो है ये लगी रही थी। इन्होंने भारतीय राजनीति के रूप में अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। यहां से क्वेश्चन अभी ऊपर कराया था आपको। मैडम कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा किया था और सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था, अंत में भारतीय तिरंगा फहराया था। मैडम जो कामा है इनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, काकोरी ड्रेन टकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी? ये बता चुके हैं, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो काकोरी ट्रेन डकैती को लेकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम ऊपर बताया था, इन्होंने ही 9 अगस्त 1925 को ये ट्रेन जो है वो लूटी थी और काकोरी ट्रेन एक्शन इसी का नाम हो गया था। काकोरी कांड के तहत रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, इनको फांसी की सजा दी गई। अगला है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1924, 1926, 1927 या 1929? आंसर आपका 1927 सही होगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इसका जो संगठन था उसमें बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी आर आयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग भी लिया था। अगला है, महात्मा गांधी अपनी राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दादाभाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम जी रनाडे को जो है वो मानते थे। अगला है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, या सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। आंसर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर की बात करें तो 1896-7 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया गया था। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया था। यहाँ पर टैक्स को लेकर के कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला है, भारतीय क्रांति की जननी जो है वो किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, वाडेकर, नायडू जी, रुस्तम कामा जी। आंसर आपका मैडम भीकाजी कामा, रुस्तम कामा जो है वो सही होगा। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है।
इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी जो कांग्रेस था भाग लिया था वहां पर, और पहली बार वहां पर भारत के राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। अगला है मैडम कामाजी ने 1907 में पहला तिरंगा ध्वज जो फहराया था वो कहाँ फहराया था? आंसर स्टुटगार्ट हो जाएगा, जो कि हमने अभी आपको ऊपर बताया भी। और इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित किया था, फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी जो है वो की थी, और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालकर अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को भी दिखाया। पत्रिका से याद होगा आपको पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था, पर ये वंदे मातरम नहीं पूछी गई पर एक पत्रिका से पूछा गया था। और इसलिए पत्र पत्रिकाओं और रचनाओं पर बेस्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, देख लीजिएगा उसको। अगला है 40 नंबर प्रश्न। 1908 में बाल गंगाधर जो तिलक है उनको जेल हुई थी, 5 वर्ष की हुई थी, 6 वर्ष की हुई थी, 7 वर्ष की या 8 वर्ष की? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जो टीचर बीपीएससी टीचर में अलग अलग क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कि उनको जो सजा हुई थी वो 6 वर्ष की हुई थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। इनका उपनाम बाल था और लोकमान्य में था। 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया था, जिसकी वजह से इन्हें बर्मा स्थित मांडले जो जेल था वहां पर 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया था। कारण क्या था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के हमलों का समर्थन करना। इन्होंने मराठा और केसरी नामक जो दो समाचार पत्र निकाले थे, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है। इन समाचार पत्रों में इन्होंने अंग्रेजों के शासन की क्रूरता वगैरह को आलोचना की थी। ब्रिटिश जो शासक थे वैलेंटाइन सिरोल, इनके द्वारा इन्हें अशांति का पिता और भारतीय इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता जो है वो मानते थे। तो ये ध्यान रखिएगा जो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके बीपीएससी तैयारी में पूछे गए क्वेश्चन पर बेस्ड। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेंगे, शायद 2 के करीब क्वेश्चन ही है इसमें। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यही है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर, बापट, श्याम कृष्ण वर्मा, या इनमें से कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में आपका अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इनके साथ मिल करके 1904 में इसकी स्थापना जो है वो की थी। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला इसकी शुरुआत की थी, जो आगे चल करके अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ था। इसके अलावा सावरकर ब्रिटेन जाकर के इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जो है वो जुड़े थे। 1937 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें भी हैं और पुस्तकों से क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व हिंदू कौन है, ये 2 इनकी रचनाएं भी आपको दिमाग में रखनी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यहाँ से आया था, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 यानी पीआरटी में पूछा गया था। प्रश्न था कि कौन से षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? नासिक, कानपुर, मेरठ या कौन सा होगा? आंसर की बात करते हैं तो मेरठ षड्यंत्र मामला था, जिसमें 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। ये षड्यंत्र विवादास्पद अदालत की घटना थी। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था और मेरठ ला करके उन पर मुकदमा चलाया था, जिसमें से 3 ब्रिटिश साम्यवादी थे, जिसमें कौन कौन थे? फिलिप स्प्रेड, बैन ब्रैडले और लेस्टर हचिनसन। इन पर आरोप लगाया गया था कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरठ षड्यंत्र मामला यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब एक प्रश्न इस पर बेस्ड आपके लिए भी, तो एक प्रश्न आपके लिए भी जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, और इससे पहले जो पीडीएफ भेज चुके हैं वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं जुड़े रहिएगा ताकि बाकी पीडीएफ भी आप तक पहुंचती रहे। ये प्रश्न आपके लिए आगे आने वाले टॉपिक से कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है वो किस कारण से त्याग दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड या चौरी चौरा की घटना, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक? तो ये अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिससे पहले के प्रश्न नहीं देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टॉपिक वाइज वाले वीडियो नहीं देखे हो तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।